हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। सो आज हम आ गए हैं फिर से अपने फेवरेट शोरूम श्री राधे गोविंद ऑटोमोटिव पे टू टेक द टेस्ट राइड ऑफ द न्यू गोरिल्ला 450। नाउ दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग इन पर्सन एंड इसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं कंपनी ने इन द हिमालयन 450 टू मेक इट मच बेटर टू राइड ऑन द रोड। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो हम अभी आपको दिखाएंगे एंड उसके बाद में हम चलेंगे एक छोटी सी टेस्ट राइड पे एंड देखते हैं कि सड़क पे किस तरह से परफॉर्म करती है। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो एंड लेट्स गो। So here is the bike and this motorcycle looks absolutely stunning with that beautiful color. This color also goes on to the subframe of the motorcycle which gives it a very unique look, and with those chunky tires the motorcycle looks absolutely a beast. Starting from the front, the motorcycle got a bigger tire now. Obviously the suspension is totally different. The suspension is now telescopic forks made by Showa, and other than that there are accessories already installed on the motorcycle, but there are new accessories also coming in. For example, the new sun plate is also coming in. Now the subframe of the motorcycle has changed, ye change ho chuka hai, and wheelbase bhi chhota ho chuka hai kyunki suspension jo hai wo bhi ab chhote ho chuke hain, to rake angle jo hai wo thoda sa andar ki taraf aa gaya hai, us wajah se ab ye modne mein kafi zyada achhi honi chahiye if you compare it with the Himalayan. The tank is 11 liters now. सीट जो है वो सब्सटेंशली चेंज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, एंड नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर योर बम्प्स टू यू नो अकोमोडेट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड रियर के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी कुशनिंग है ऑलरेडी, एंड आई एम श्योर कि कंपनी जो है इसमें भी कुछ ना कुछ और कंफर्टेबल सीट्स या टूरिंग सीट्स इस तरह की प्रोवाइड करेंगी। अदर देन दैट द इंजन इज़ द सेम, इंजन सेम है लेकिन ऑब्वियसली पावर डिलीवरी का फ़र्क पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ी सी क्विक होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉलर व्हील बेस, सो ऑब्वियसली दिस माइट बी लिटिल बिट क्विकर देन द हिमालयन, एंड ऑल्सो दिस इज़ लोअर तो इसका सी ओ जी भी नीचे की तरफ है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज़्यादा ही क्विक होगी। यू गेट द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेकिन ये थोड़ा सा साइड माउंटेड है तो ऑब्वियसली दिस गिव्स इट अ वेरी यू नो स्क्रैम्बलर टाइप ऑफ लुक। लेट्स गो फॉर अ स्पिन एंड लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स ऑन द रोड। सो फाइनली वी हैव दिस ब्यूटीफुल गोरिल्ला 450 विद अस, लुक्स ग्रेट, लेट्स गो फॉर अ स्पिन। फर्स्ट इंप्रेशन, बैठते ही मेरे पाँव दोनों पूरे नीचे लग रहे हैं और मेरी हाइट 5'10" है। आई विल नॉट टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस बट हाउ इट फील्स टू राइड द बाइक। आई ओन अ हिमालयन 450 एंड आई कैन एक्चुअली गिव यू अ बेटर कंपैरिजन बिटवीन द टू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिडन माय मोटरसाइकिल फॉर 5000 किलोमीटर्स एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ। But this is completely different and it goes through the traffic quite easily just like a smaller motorcycle. The comparison of this should be with the Speed 400 and this feels much more solid. Now with those 17-inch rims at the front and the rear and also a smaller suspension with less travel, the wheelbase has been reduced from the Himalayan, so there would be a drastic change in the acceleration and you can actually feel the acceleration much better in this motorcycle than the Himalayan. The response is quicker and the braking, that is also better because now you have wider tires, 120 at the front and 160 at the rear. Oh my god, this feels like a super moto sort of motorcycle. Now my riding posture is also quite natural, bahut hi zyada easy and comfortable riding posture hai is motorcycle ka,
एंड सरप्राइजिंगली आई एम सुपर कम्फर्टेबल. ऑल्दो मैं स्ट्रीट बाइक्स पे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होता हूँ, बट ऑन दिस आई फील इट इज़ मच बेटर. जो फुटपैक्स हैं उनको भी थोड़ा सा राइज किया गया है, लेकिन वो टैंक की पोजिशन की वजह से इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल हो रहे हैं मुझे कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा. बट हाँ, ऑब्वियसली वेन यू पुश द ब्रेक लिवर, वेन यू यूज द ब्रेक लिवर क्वाइट अ लॉट, जिनके पाँव लंबे हैं ऑब्वियसली वो काफ़ी देर तक अगर इस तरह से रहेगा तो वो हल्का हल्का दबाने में आपको फिर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बट यू विल गेट यूज टू इट आफ्टर सम टाइम, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड इट चेंजेस डायरेक्शन सो क्विक बिकॉज अभी उसका रेक एंगल जो है वो काफ़ी पीछे की तरफ आ गया है. जिन राइडर्स के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं उनको ये बाइक बहुत पसंद आने वाली है. एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बी सच अ स्पोर्टी सॉर्ट ऑफ मशीन. यू कैन डू क्विक कॉर्नरिंग Freak. Oh, nice. I love it. And the sounds crazy. Let's talk about the gearbox. Gearbox जो है वो पहले से काफी smooth हो चुका है. I own the first batch of Himalayan 450 and the engine is the same, so I can actually assure you that this gearbox is much more refined than the first generation of Himalayan gearbox. The shifts are crisp, the instant response from the engine is superb. Now this comes with the similar two modes, one is the performance mode and one is the eco mode. Obviously we are going to keep it in performance mode only because we are not looking for economy right now. For those jinhone abhi tak nahi dekha hai is motorcycle ke bare mein, ye jo meter hai iske andar aadha jo meter hai wo aapka map mein convert ho jata hai, Google Maps, to aapko phone ko connect karke rakhna padta hai. I'm not a fan of it, but it's a very good thing to have when you're riding in the rain. Let's talk about vibrations. Aur vibrations to rahenge yaar single cylinder mein, but yes, there are vibrations on the foot peg and on the handlebar both. And let's talk about the suspension and the seats both. Dono ke bare mein baat karenge kyunki dono ek dusre se related hai. Now isme 80mm ka jo travel hai wo kam hai इफ़ यू कंपेयर इट विद द हिमालयन, और मुझे हिमालयन का काफ़ी अभी आदत पड़ चुकी है उसकी विद दैट लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन. दिस इज़ अ टेलीस्कोपिक फोर्क एंड ओनली 140mm ऑफ ट्रैवल, बट बिकॉज द सीट इज कम्फर्टेबल एंड इज वेरी मच डिजाइंड टू अकोमोडेट योर बम्प्स एंड द कुशनिंग इज सो मच बेटर. आई थिंक अभी तक ऐसी दूसरी मोटरसाइकिल्स में मैं बैठा नहीं हूँ या बहुत टाइम बाद में बैठा हूँ इस तरह की मोटरसाइकिल पे जो स्ट्रीट बाइक विद लो ट्रैवल ऑफ सस्पेंशन भी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे. सो लेट्स जस्ट डू अ क्विक 0 to 100 टेस्ट. One of the sore point of the motorcycle is कि जो टैंक है वो बहुत छोटा है, यानी कि 11 लीटर का टैंक है सिर्फ, जिसमें से भी 2 लीटर तो आपको मिनिमम रखना जरूरी है सो दैट आपका फ्यूल पंप जो है वो ड्राई ना चले कभी भी. सस्पेंशन इज सो गुड कि ये जो अनइवन पैचेस हैं उनके ऊपर भी मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आउट रहती है. सो थैंक यू वेरी मच शोवा फॉर प्रोड्यूसिंग सच गुड सस्पेंशन फॉर अ हैवी मोटरसाइकिल लाइक दिस. एंड टायर्स की ग्रिप इज जस्ट सो गुड. C8 ने बहुत अच्छा काम किया है, बट ऑब्वियसली इफ यू पुट ऑन सम पिरेलीज और मेटजेलर्स ऑन दिस मोटरसाइकिल दैट विल डू जस्ट ग्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लो एंड टॉर्क. सी वी आर इन 6th गियर एंड लेट्स सी
how slow can we go and pick up the bike from that speed. just look at this, okay? So we are at 40 and it's rolling, man, it's rolling. Nice. Fuel economy would be somewhere around 30 to 35. The clutch is, it's not the hardest nor the softest, so this is somewhere in between and which does the job, I guess. I just wish ki company ne iske saath mein quick shifter diya hota. So what we need is a quick shifter as an accessory and maybe cruise control, usko bhi please make it an accessory. Royal Enfield, you cannot cheat with the first batch owners of the Himalayan 450. But no doubt this is a big motorcycle. This doesn't feel as compact as the KTM and the Speed 400. Wo dono kafi zyada compact lagti hain, isse zyada. But then you have to choose what sort of engine do you like, because Speed 400 and KTM Duke 390, they both use a short stroke engine. I mean, the difference between the piston and the stroke length is quite drastic. But with this engine, the stroke length of this motorcycle is just 2.5 mm smaller than the piston size. That means ki you get a very good spread of torque. तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी जल्दी मिलता है. आपको बार बार गियर्स के ऊपर है ना इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक आई एम ऑन फोर्थ गियर ऑन 33, 32, 31, 30 एंड ओपन द थ्रॉटल एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. व्हाट आई मीन टू से इज के यही चीज़ आप ड्यूक पे करके देखो एक बार और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सिटी के अंदर आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर है. उसके बाद आपको हाईवे पे कितना चलाना है. सो इट्स टोटली अप टू यू व्हाट सॉर्ट ऑफ इंजन रिस्पॉन्स डू यू एक्चुअली लाइक. आई लाइक द टॉर्क वे टू मच. मुझे टॉर्क बहुत पसंद है बाइक में. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू चेक द कम्फर्ट, बिकॉज अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ना किसी मोटरसाइकिल के ऊपर तो वो बाइक मत लीजिए. बिकॉज आई गिव यू क्विक एग्जाम्पल, इफ यू बाय KTM Duke 390, you love the motorcycle because it is quick like a beast, it is quick like a cheetah, but at the same time it might be too uncomfortable for you because there is no space to move. Aap seat pe move nahi kar sakte hain bahut zyada, so there is no movement as such and after some time you get tired. बट ऑन द स्पीड 400 एंड द गोरिल्ला आप मूव कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा इसके अंदर. अभी तक इसका फ़ैन भी चालू नहीं हुआ है, सो द हीट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो गुड. और पाँव पे अभी तक मुझे कोई हीट लगी भी नहीं है किसी भी तरह से. बट आई वुड अर्ज रॉयल एनफील्ड टू प्लीज़ मेक अ फुली फेयर्ड वर्जन, लाइक अ सुपर स्पोर्ट सॉर्ट ऑफ वर्जन of this engine. That would be interesting to see. Okay, so that's it from my side guys. I hope ki ye video aapko pasand aaya hoga. Agar aaya hai to do like, comment and share it with your friends. Aur nahi aaya hai to bhi please give me feedback ki kyun nahi aaya, what can I do to make it better. Thank you for watching guys, see you next time.